बेटा आज का अपना टॉपिक है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। अपने की पढ़ना बेटा वन वन फंक्शन की होंगे है। देखो मैं पहले दो वीडियो विच लास्ट टू वीडियो बेटा की कराया सी, फंक्शन डिफाइन किया सी ते इंपोर्टेंट ग्राफ ऑफ फंक्शन इंपोर्टेंट फंक्शन उसके ग्राफ डोमेन ते अरेंज की सी। बेटा हूँ अपना टॉपिक है वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन जा इन बोलते बेटा आप इंजेक्टिव की बोलते हैं बेटा इंजेक्टिव फंक्शन। बेटा मोस्टली आप इंजेक्टिव वर्ड यूज करते हैं। वन वन फंक्शन की होंगे बेटा अपन एफ एक्स टू वाई कोई मैपिंग दी हुई है ओके डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स डिफरेंट elements of x have different images in y means ki ho gaya beta meaning ki hai sir different element of x have different image in y means dekho beta a x hai a y 1 2 3 4 A B C D E F G. One D is A N, two D is B N, three D is C N, four D is D. जिधे इससे दो different elements अपन रखी हैं, इन्हें देखो image की वारी है बेटा different हुआ। So बेटा अपन की में क्या है one one x one not equal to x two. देखो बेटा x one ते x two किस चुप्लाऊं करते हैं बेटा x ते कुछ. Then fx1 not equal to fx2 जिन्हें ना दी इमेज है वो भी इक्वल ना हो। This one function is called one one function or is the contradiction जे fx1 equal to fx2 जे अपन ये भी प्रूव कर दे इसमें भी की बोलते हैं बेटा अपन वन वन फंक्शन बोलते हैं। वन वन फंक्शन का मीनिंग की है बेटा एक दे एक ना डिफरेंट इमेज की हो रही हो बेटा बारी हो उसनों की बोल दें बेटा अपन वन वन फंक्शन बोल दें। वन वन फंक्शन वास्ते बेटा आप तो लगे बहुत एग्जांपल्स हैं अलग अलग मेथड है। एक फर्स्ट मेथड है बेटा जो आप इस मेथड नाल कर सकते हैं क्वेश्चन यूज दिस ते आप ए मेथड भी यूज कर सकते हैं। सो इस तरह के फंक्शन की बोल दें बेटा वन वन और इंजेक्टिव। बेटा कुछ और मेथड इस तो एक्स्ट्रा में दसन लग गया सुन जिमें आप बेटा ग्राफिकली देखिए ग्राफिकली की है बेटा देखियो मान लो आप की दिता बेटा फंक्शन दे दिस ओके इस दे देखो ये एक्स वन एक्स टू इन्हों की इमेज बारी है डिफरेंट बारी ना तो ये वन वन फंक्शन पर आप इस दी आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं बेटा ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीट द कर्व वन पॉइंट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। जो एक पॉइंट से मीट कर रहे तो उस फंक्शन की बोलेंगे बेटा अपन वन वन फंक्शन बोलेंगे। हुन जे अपन की ये जरा फंक्शन वन वन नहीं है नॉट वन वन कॉल्ड मेनी वन उन्होंने अपन मेनी वन बोलते हैं जरा फंक्शन वन वन नहीं है। फॉर एग्जांपल बेटा देखियो ग्राफिकली भी इस तरह पहला एरो डायग्राम देखो एरो डायग्राम की है अभी 1 2 3 4 ए बी सी डी ई 1 डी में दे ना 2 डी इमेज भी ना बन 3 डी बी ना 4 डी सी ना दिस फंक्शन इज मेरी वन रीजन x1 नॉट इक्वल टू x2 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बट fx1 डी इमेज भी है x1 डी इमेज भी है 2 डी इमेज भी है। सो इधर विच की आ गई बेटा तुमने एक पढ़ा आरे दोनों दी इमेज सेम बात है। सो दिस फंक्शन इज नॉट वन वन इज कॉल्ड मेनी वन। जे अपन ग्राफिकली गल करिए बेटा मान लो मैं ये बना ले बेटा ठीक है हुन जिवें मान लो अपने उरे बेटा मैं पॉइंट ले माइनस वन दी इमेज भी आ रही है वन दी इमेज भी आ रही है सेम वैल्यू आ रही है पैराबोला बना ले जे अपन लाइन ड्रा करते हैं किन्ने पॉइंट से मीट करे बेटा इज नॉट वन। मतलब इस तरह भी देख सकते हो कि
टू वैल्यूज एक वन पैराबोल है बेटा एफ एक्स इक्वल टू एक्स के है जे मैं वन पुट करूँ तो भी वैल्यू वन आ रही है माइनस वन पुट करूँ तो भी वैल्यू वन आ रही है बेटा इस तरह भी देख सकते जे ग्राफिकली देखना बेटा अपवर्ड पैराबोल है ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीट मोर देन वन पॉइंट इज कॉल्ड मेन सो जो फंक्शन वन वन नहीं है उसको की बोलेंगे बेटा अपन मेनी वन बोलना सो क्लियर है बेटा वन वन फंक्शन देखो फर्स्ट मैथड बेटा ये हो गया अपना सैकेंड ग्राफिकल थर्ड बेटा अपना एक इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग होंगे थर्ड मैथड इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग होंगे बेटा इनक्रीजिंग बेटा डेरीवेटिव पढ़ना बेटा इनक्रीजिंग फंक्शन की होंगे सर पढ़ाया हुआ सोने कुत्ता अपन मान लो एफ एक्स इनक्रीजिंग फंक्शन strictly increasing function दिता हुआ है so f dash x is the derivative y equal to fx strictly increasing function दे रखे है यदा meaning की हुंदा बेटा जिस दा derivative positive है greater than 0 है only greater than 0 for all values the that function is called one one function सिखो सर की में देखो बेटा increasing function मतलब function increase हो रहा है x की वैल्यू ते y की वैल्यू की हो रही है बेटा इंक्रीज हो रही है मतलब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं x भी इंक्रीज y भी इंक्रीज देन draw a line parallel to x axis meet one point is called one one मतलब अपने में मेथड है strictly increasing function है तो function भी की होता है बेटा one one होता है मैं सुनिए कोई example हूँ ये मेथड मैं सारे यूज करके था हम सबको पता उस तो जे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ठीक है बेटा फॉर ऑल वैल्यूज देन डी वाई अपॉन डी एक्स लेस देन जीरो इसका मीनिंग की है उसकी भी वैल्यू है फॉर ऑल वैल्यूज वास्ते लेस देन जीरो देन कॉल्ड वन वन फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफिकली की होता है x की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो y की डिक्रीज ऑपोजिट हो बेटा एक इंक्रीज हो रहा है दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस मीट वन पॉइंट कर वन पॉइंट मीनिंग ये बस थर्ड तीन मेथड है बेटा अपने लिए बाय दिस ओके डेफिनेशन ग्राफिकली बेटा जय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिस दे विच अपन ਤਿੰਨੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਐਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਟੂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਾਈ ਐਫ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਅਪੋਨ ਫਾਈਵ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ ਇਹ ਵੈਲੂ ਰੱਖ ਲਈ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਅਪੋਨ ਫਾਈਵ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਦੈਨ ਫੋਰ ਰੱਖ ਲਓ ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਵੀ देन इसको किमे करना है बेटा पहला फर्स्ट मेथड अपने चेक करना है वन तब पर किस मेथड ना करांगे बेटा फर्स्ट यूज कर लो बेटा fx1 equal to fx2 fx1 equal to fx2 तक जिथे x है वो तो थे की आ गया x1 x2 minus 2 इसको पता ना क्लियर है x1 x2 है डोमेन दे विच होता है पूरे डोमेन की है बेटा then x1 minus x2 sorry x1 minus 2 x1 so कितना आ गया बेटा मतलब x1 equal to x2 यही कह सकते हैं जनरल इमेज इक्वल है तो फंक्शन भी सॉरी जनरल इमेज इक्वल है x1 equal to x2 है तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड वन वन सेकंड ग्राफ y equal to fx होता ना बेटा ये देखो मीट x एक्सिस y 0 x की वैल्यू कितनी आ गई मीट y एक्सिस x 0 ओके y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस 1 बाय मीट y एक्सिस x की हो गया 0 कितनी आ गई वैल्यू माइनस 1 बाय ग्राफ का तो x 1 x 2 y 0 1 2 फिर कितना बेटा माइनस 1 बेटा इसको मिलाओ माइनस वन बाय ठीक है पुत्र इसमें मिलाए क्लियर है बेटा देखो मीट एक्स एक्सिस वाई जीरो हो गया पुत्र तो एक्स की वैल्यू टू
मीट वाई एक्स इज एक्स जीरो ए हंड्रेड माइनस वन वाई बेटा इसमें मिला दो लाइन देखो ये फंक्शन बार है पुत्र इंक्रीजिंग फंक्शन जा ड्रा करो बेटा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे मीट कर रहा है वन एक लाइन ड्रा करके देखो बेटा कितने पॉइंट पे मीट कर सो वन दिस वन फंक्शन इज वन सेकंड डेरिवेटिव देखो बेटा डेरिवेटिव करियो इसका dy upon dx x का डेरिवेटिव 1 upon 4 2 0 ठीक है बेटा 1 upon 4 आ गया सो डेरिवेटिव बनते है बेटा पॉजिटिव सिर्फ x की कितनी मर्जी वैल्यू रखे देखो ये वैल्यू कांस्टेंट है ऑलवेज पॉजिटिव केड़ा फंक्शन हो गया बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दैट फंक्शन इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन सो आप पहले बेटा 1-1 फंक्शन प्रूव कर दे तीन मेथड है बेटा केड़ा मर्जी मेथड अप्लाई करके उसी 1-1 प्रूव कर सकते हो हुन मैं ऑन टू दस्सन लग गया हुन बेटा आप गल करन लग गए ऑन टू फंक्शन ऑन टू जा बेटा की बोलते हैं आप सब्जेक्टिव की बोलते हैं बेटा ऑन टू जा की बोलते हैं बेटा इनको सब्जेक्टिव आपको फंक्शन दिता है बेटा एफ एक्स टू वाई बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन होती इसकी रेंज इक्वल टू कोड इन कोड में बोलते हैं पता ना बेटा सुन रेंज इक्वल टू कोड में जे रेंज कोड में दे इक्वल आ गई दैट फंक्शन इज कॉल्ड ऑन जा सब्जेक्ट बेटा जो फॉर एग्जांपल x 1 2 3 4 a b c d ठीक है बेटा मान लो 1 2 3 बेटा रख ले 1 दी इमेज a ना 2 दी इमेज b ना 3 दी इमेज c जीरो ने 4 को 4 दी इमेज की आ गई बेटा t तो देखो बेटा पूरे भी रेंज है रेंज की है पूरे a b c d जिहड़ी कोड मेन है वह भी ए बी सी डी तो यह फंक्शन की हो गया पुत्र ऑन टू हूँ मैं होर इनक्रीज करा बेटा देखियो फोर दी इमेज मान लो एक फंक्शन हो रहा है फाइव दी इमेज बी डी दैट फंक्शन इज वन वन नो ए फंक्शन की है बेटा मैनी वन बट ऑन टू है क्यों रेंज इक्वल टू कोड मेन बट वन वन क्यों नहीं है क्योंकि दो दी इमेज इक्वल हुआ दिस फंक्शन इज मैनी वन इसमें देखो तुम्हें x y 1 2 3 4 a b c d e 1 2 3 4 उन्हें ये फंक्शन किया पुत्र 1 पर बट ये ऑन टू नहीं है क्योंकि ये भी रेंज है देखो 1 की 1 वाली इमेज बाद ये बेटा पर ये रेंज है रेंज किया पुत्र है a b c d बट कोड में की है ए बी सी डी सो जी रेंज है नॉट इक्वल टू कोड में सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू कॉल्ड इन टू सो जरा आह फंक्शन से पुत्र ऑन टू सी बट नॉट वन वन मैनी वन जरा यह फंक्शन है पुत्र ऑन टू नहीं है बट की कहोंगे पुत्र नु अपन इन टू बट ए वन वन सो बेटा इस तरह के एग्जांपल्स हैं जिस दे विच आप की चेक कर सकते हैं बेटा ऑन टू किवें चेक करना रेंज इक्वल टू कोड एक हुंदा बेटा बाईसेक्शन जैन बोलते हैं वन वन कोरेस्पोंडेंस बाईसेक्शन की हुंदा है जिहड़ा फंक्शन दिता हुआ बेटा वह वन वन भी हो ऑन टू भी हो उसनों की कहने बेटा बाईसेक्शन मैथड बाईसेक्शन फंक्शन सो बाई वो फंक्शन बाईसेक्शन होगा पुत्र जिस दे विच बाईजेक्टिव फंक्शन केड़ा हुंदा इंजेक्टिव वन वन सब्जेक्टिव ऑन टू बाईजेक्टिव जा वन वन कोरेस्पोंडेंस जिहड़ा फंक्शन वन वन ते ऑन टू है सो उसनु की बोलते हैं बेटा आपां बाईजेक्टिव फंक्शन एक रिजल्ट है पुत्र सोरे यूजफुल रिजल्ट है जिहड़ा फंक्शन बाईजेक्टिव होगा मतलब वन वन ते ऑन टू होगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ x ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ y ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਮਤਲਬ 1 1 ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ x ਡੋਮੇਨ ਐਂਡ ਕੋਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 1 ਤੇ ਹੋਣ x
वाई। मान लो मैं रख लिया बेटा 1 2 3 4 ए बी सी डी। वन वन का मीनिंग की है बाइजेक्टिव गिवन है पुत्र, जे बाइजेक्टिव है तो वन दी वन नाल की बनेगी पुत्र इमेज। सो वन वन हो गया। ऑन टू क्यों है? क्योंकि रेंज इक्वल टू कोड में है, एच एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट है। सो पुत्र जेड़ा फंक्शन वन वन ते ऑन टू है बाइजेक्टिव है, व्हिच नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई वेयर एक्स एंड वाई आर फाइनाइट। सो पुत्र क्लियर है बाइजेक्टिव की होता है, वन वन क्रोसपोडेंस की होता है। बेटा अपने ये चीज पढ़ी है। हुण इस तो बाद आपां एग्जांपल्स करांगे, जिवें पुत्र आपां इक पता लग गया क्लीयर है पुत्र हुण ए फंक्शन मैनी वन बट ऑन टू, दिस वन इज ऑन नॉट ऑन टू। इहनूं की बोलदे बेटा जिहड़ा फंक्शन ऑन टू नहीं हुंदा उहनूं की बोलदे इन टू। बाइजेक्टिव फंक्शन की हुंदा जिहड़ा वन वन ते ऑन टू की कंडीशन नूं की करदा बेटा सैटिस्फाई करदा। हुण आपां कुछ एग्जाम्पल्स कर रहे हैं जिस दे विच आपां शो करांगे पुत्र भी फंक्शन वन वन ऑन टू किस तरह प्रूव करना। सब तो फर्स्ट एग्जाम्पल की रखिए बेटा, आप इस तरह ध्यान देना बेटा एफ एक्स इक्वल टू एफ रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव कौन सेवन प्लस। मान लो एग्जाम्पल प्रूफ जिहड़ा फंक्शन है एफ एक्स इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 1-1 ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-1 ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਲੋ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਪੁੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਨ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਰੇਂਜ ਕਿਹੜੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਅਲੋਂਗ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਸੋਨੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੋਮੇਨ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਫ ਇਜ਼ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪਲੱਸ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੀਓ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬੈਠੋ ਬੇਟਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ। ਸੋ ਐਫ ਐਕਸ ਵਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਐਕਸ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਕਸ ਵਨ ਪੁੱਟ ਕਰ, ਟੂ ਐਕਸ ਟੂ ਪਲੱਸ ਫਾਈਵ ਅਪੋਨ ਸੈਵਨ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਟੂ ਐਕਸ ਵਨ ਪਲੱਸ ਫਾਈਵ ਟੂ ਐਕਸ ਟੂ ਪਲੱਸ ਫਾਈਵ। ਸੋ ਟੂ ਨਾਲ ਟੂ ਕੈਂਸਲ, ਐਕਸ ਵਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਟੂ। ਜੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਵਨ ਵਨ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ? ਨਾ ਉਹ ਵਨ ਵਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਔਨ ਟੂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਔਨ ਟੂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਪੁੱਟ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਐਕਸ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ x ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੋਮੇਨ, y ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਂਜ। ਸੋ ਆਪਾਂ y ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵੈਲਿਊ, y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2x ਪਲੱਸ 5.7, 7y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2x ਪਲੱਸ 5। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਵੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 7y ਮਾਈਨਸ 5.2 ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਡਿਫਾਈਂਡ, ਅਨਡਿਫਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ 0 ਸਮਥਿੰਗ ਪਹੁੰਚ 0, ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਟ ਨਾ ਤੇ ਰੂਟ ਹੈ ਨਾ ਨੀਚੇ ਬੇਟਾ ਫਿਕਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ 0 ਬੰਦਾ ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਔਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਕੋਡ ਮੇਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਔਨ ਟੂ, ਜੇ 1-1 ਵੀ ਹੈ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ? ਬਾਈ ਚੈੱਕ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 2, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ 2, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਐਕਸ ਕੇ, ਚੈੱਕ 1-1 ਐਂਡ ਔਨ 1-1 ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਇੰਜੈਕਟਿਵ ਔਨ ਟੂ ਸਬਜੈਕਟ। ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 1-1 ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ 1-1 ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਐਫ ਐਕਸ 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਐਕਸ 2, ਐਕਸ 1 ਸਕੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ 2 ਸਕੇਅਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਕਸ 1 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਐਕਸ 1 ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ 2 ਸਕੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਐਕਸ 1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ 2 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਆਏ ਬੇਟਾ ਐਕਸ 1 ਪਲੱਸ ਐਕਸ 2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਐਕਸ 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ 2 ਬੇਟਾ, ਇਹ 0 ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ,
क्योंकि x1 x2 डोमेन से बिलोंग करते हैं, डोमेन की है बेटा नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर जीरो नहीं हो सकता, सो x1 इक्वल टू की आ गया बेटा x2। फिर अपने की चेक करना है बेटा ऑन ऑन टू की में चेक करांगे बेटा, बेटा fx इक्वल टू नेचुरल नंबर सॉरी y इक्वल टू x स्क्वायर, fx के इक्वल है बेटा x स्क्वायर, बेटा और x की वैल्यू नेचुरल नंबर ही पुट करो ना, सुनो सर और एक नहीं वैल्यू पुट करके देखिए बेटा और रियल नंबर है ईच वैल्यू चेक कर, नेचुरल नंबर बेटा पता है 1 2 3 4 5 6 7 दिस वन, ए रियल नंबर 0.1 0.2 बहुत वैल्यूज आ रही है, सो हम 1 पुट करेंगे 1 2 पुट करेंगे 4 3 पुट कितना 9 बेटा दिस वन नॉट इक्वल टू कोट में, सो ये रेंज आ गई पुत्र, जेडी रेंज है नॉट इक्वल टू कोट में, सो ये 1 तो हैगा सी पुत्र बट दे नॉट ऑन, क्लियर है बेटा स्टार। मैं यही एग्जांपल दे थोड़ी चेंज करती बेटा डोमेन रेंज दी और रियल नंबर टू और रियल डिफाइंड बाय fx इक्वल टू सेम x स्क्वायर चेक 1 एंड ऑन टू पेपर से बेटा एक अंदर ध्यान रखियो कि जी डोमेन है अपन की दी हुई है कोड में की दी हुई है बेटा इसके कोड भी लिखा जाता है बेटा क्वेश्चन ये ना हो बेटा सी मिस्टेक कर हूं देखो इसके बीच ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੀ ਇਸ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਬੰਦ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 1 ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ fx1 equal to fx ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ x1 square equal to x2 square x1 square minus x2 square equal to 0 x1 minus x2 x1 plus x2 equal to 0 x1 equal to x2 x1 equal to minus x2 means fx1 ते f minus x1 x2 की देख लो आ गया बेटा minus x1 दोनों की इमेज सेम है मतलब मीनिंग की है पुत्र x1 ते minus x1 की इमेज कुछ भी बारी हो चुका हो कुछ भी है a b c कुछ भी है तो दोनों की वैल्यू की आ रही है बेटा सेम आ रही है so this function is not 1-1 क्लियर है बेटा ये 1-1 नहीं है बट जे अपन गल करिए ऑन टू दी जो ऑन टू देखा मैं बेटा y इक्वल टू x स्क्वायर x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तेरी रेंज होगी वो तो 0 टू इनफिनिटी है बट उन्हें कोड नेम दे इक्वल ही है सो आप तो मैं की कहना बेटा सो नॉट ऑन टू कॉल इन ए की हो गया मैनी वन ते की हो गया बेटा इन इस तो नेक्स्ट एग्जांपल बेटा नेक्स्ट एग्जांपल आप कर लो क्या बेटा हो रहा है देखो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल नंबर 4 f 0 टू इनफिनिटी टेंड्स टू 4 टू इनफिनिटी डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस बेटा मैं ओके तो अपन चेक करना है 1 ऑन बेटा डोमेन की है 0 टू इनफिनिटी क्लोज इंटरवल 0 टू इनफिनिटी टेंड्स टू 4 क्लोज इंटरवल टू इनफिनिटी डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 बेटा देखो इसके बीच की मैं आपको प्रूव करूंगा बेटा पहला 1 fx1 इक्वल टू fx सो x 1 स्क्वायर प्लस 4 equal to x2 square plus 4 x1 square minus x2 square equal to 0 x1 minus x2 x1 plus x2 equal to 0 x1 equal to x2 but x1 plus x2 not equal to 0 because clear hai beta so aap lage positive value dete hui hai beta सो इधर 0 हो नहीं सकता x1 किधर इक्वल आ गया बेटा x2 नेक्स्ट अपने की चेक करना है बेटा ऑन y इक्वल टू fx fx किधर इक्वल है बेटा x स्क्वायर प्लस 4 सो y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 है x स्क्वायर की है बेटा हमेशा पॉजिटिव 0 तो ग्रेटर प्लस 4 y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रेंज की आ रही है बेटा 4 टू इनफिनिटी सो की हो गया पुत्र ऑन सो ये फंक्शन 1-1 भी है ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल
एफ ओरियल नंबर एक्सेप्ट टू टेंड्स टू ओरियल नंबर एक्सेप्ट वन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्रूव एफ की है बाई चेक। सो किस तरीके ना प्रूव करांगे बेटा तुम? फर्स्ट वन वन एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू वन वन सिंपल बेटा खास कर हिंदी से विच एक्स वन माइनस वन एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन माइनस वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस टू इक्वल टू एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन टू एक्स टू प्लस टू। सो कितना आ गया बेटा देखियो माइनस एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। सो की प्रूफ करता बेटा वन वन उसका अपने की प्रूफ करना बेटा ओन पुट y इक्वल टू एफ एक्स। ओके सॉल्व कर लो बेटा y x माइनस टू वाई एक्स माइनस वन y x माइनस एक्स बेटा मैं सॉल्व कर रही इक्वल टू टू वाई माइनस वन एक्स की देख को बन गया बेटा टू वाई माइनस वन वाई माइनस वन तो इन्हें रेंज है की आ गई बेटा ओरियल नंबर। देखो बेटा वाई में जब वन पुट करांगे नीचे की बनता है बेटा जीरो क्यों क्योंकि वाई कुछ भी हो सकता है बेटा। सो वाई की वैल्यू जब वन पुट करांगे नीचे जीरो बनता है मतलब वन पुट करांगे तो ये प्रॉब्लम आ गया बेटा नीचे जीरो आ रहा है अनडिफाइंड आ रहा है। सो इस करके आप लिखांगे बेटा ओरियल नंबर एक्सेप्ट वन इक्वल टू कोऑर्डिनेट। सो की हो गया पुट आपके लगे ऑन। सो इस तरीके ने अपने की प्रूव करता बेटा बाई चेक। नेक्स्ट एग्जांपल एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ठीक है बेटा डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स इवन एक्स प्लस वन एक्स ओ अपने की प्रूव करना बेटा एफ बाई चेक। सो किस तरीके ना प्रूव करिए किस मैथड ना प्रूव करिए बेटा केस लेने पैणगे वन वन दे विच अपन पता वैल्यूज की हो सकदी है बेटा एक इवन एक ओड मान लो x1 ते x2 बेटा इवन देते हुए हैं फर्स्ट केस अपन ही रख लेवे इवन वन वन चेक कर रहे बेटा इवन रख देन fx1 इक्वल टू fx2 इवन दे विच केड़ा फंक्शन हो बेटा जदों x x1 x2 x दे विच है बेटा x इवन है तां fx दी वैल्यू केड़ी सेट करांगे बेटा x माइनस वन। सो कितना आ गया x1 इक्वल टू x2 के सेकंड अपन ही रख ले बेटा x1 x2 नु ऑर्डर रख ले जे अपने ऑर्डर रखे तो fx दी वैल्यू केड़ी सेलेक्ट करांगे पुत्र x प्लस 1 क्योंकि x1 x2 ऑर्डर है। सो कितना आ गया x1 प्लस 1 x2 प्लस x1 इक्वल टू x2 केस थर्ड बेटा जे x1 इवन x2 मैं ओड रख ले एक इवन एक ओड तो क्लियर है पुत्र इवन ओड तो अपने की रखना बेटा ओले fx1 ध्यान देखो बेटा जे इवन ओड है x1 नॉट इक्वल टू x2 क्यों x1 इवन है एक दसो जे x1 इवन है x माइनस 1 की हो गया ओड ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਤ x1 minus 1 ਜੇ ਓਡ ਹੋ ਗਏ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਪੁੱਤ fx1 ਅੱਛਾ x2 ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਓਡ x2 plus 1 ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਈਵਨ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਬੇਟਾ fx2 ਤਾਂ fx1 ਓਡ ਹੈ fx2 ਈਵਨ ਹੈ ਤਾਂ fx1 ਵੀ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ fx2 ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਰੀ ਸੀ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ x ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਮੇਜ ਆਫ इमेज इन y। सो पुत देखो अपनी डेफिनेशन लग गई। सो दिस फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड वन वन फंक्शन। हुन रह गया पुत अपने वे ऑन टू तिने केस दे विच अपने की शो करता वन वन ऑन टू दे विच की प्रूव करांगे पुत अपन रेंज देखनी है बेटा पहला केस ले लो x इवन y सुनो पता fx दे
एक्स माइनस वन जे एक्स ईवन है कि वैल्यूज आएंगे उत्तर ईवन के पहले आप पुट करा नैचुरल नंबर है टू टू माइनस वन वन फिर की पुट करा बेटा फोर थ्री फाइव दिस वन ओके फिर नैक्सट जे एक्स ओड है वाई कि आ गया एक्स प्लस वन जे एक्स ओड है ओड के पहले वन टू फोर सिक्स दिस वन बोथ कंबाइन करा तो मतलब वाई कि आ गई रेंज रेंज कि कंबाइन कर लो नैचुरल नंबर कोड में देखिए पुत की है नैचुरल नंबर सो फंक्शन की हो गया पुत सो बेटा ये एग्जाम्पल्स करवाई हैं जिससे कर सकते बेटा प्रूफ बाई चैक्टिंग सो बेटा नैक्सट वीडियो आप इनवर्टिबल की डेफिनेशन इनवर्स फंक्शन की होंगे तो कंपोजिशन फंक्शन बारे डिस्कस करा थैंक यू वेरी मच